सुजानगढ़ शहर की पांड्या धर्मशाला में राजमल पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता मुंबई के द्वारा प्रकाश चंद व आदित्य पाटनी के सौजन्य से सुजलांचल विकास मंच समिति के तत्वावधान में 5 दिवसीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ है। शिविर का उद्घाटन सभापति नीलोफर गौरी, समाज सेवी प्रकाश चंद पाटनी, स्वागताध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज के संरक्षक हेमचंद बगड़ा ने भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता व पार्षद मोहम्मद दिर्स गौरी, समाज सेवी डूंगरमल गंगवाल, अशोक छाबड़ा इम्फाल, पार्षद सुनीता रावतानी, पार्षद मधु बागरेचा, पार्षद प्रणति स्वरूप पिपलवा, समाज सेविका सरला देवी पाटनी, प्रेम लता देवी बगड़ा, झमर स्कूल की प्राचार्य श्रीमती कुसुम शर्मा विशिष्ट अतिथि रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रकाश चंद पाटनी ने कहा कि मानव सेवा को उत्तम क्रम मानकर समिति व ट्रस्ट द्वारा की जा रही सेवा गतिविधियां अतुलनीय है। सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि समिति द्वारा समय समय पर अनेक तरह की जनहितार्थ सामाजिक गतिविधियां की जा रही है, जो प्रेरणादायक है। समिति अध्यक्ष उषा बगड़ा ने अतिथियों का स्वागत करवाया। इस अवसर पर दिगंबर जैन समाज के संरक्षक विमल कुमार पाटनी, प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य संतोष गंगवाल, पार्षमल सेठी सरोज पाटनी, महावीर छापड़ा, सरोज पांड्या, धर्मेंद्र गंगवाल, अंकित पाटनी, मोहित सेठी, अमित पांड्या, श्रीमती सुमित्रा सोगानी, श्रीमती इंदिरा देवी बाकलीवाल, श्रीमती ममता पांड्या, वीणा देवी छापड़ा, शकुंतला देवी बगड़ा, सीमा देवी बगड़ा, सुनीता देवी बगड़ा, निशा पांड्या, शैली बगड़ा आदि लोग मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत समिति के उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद पाटनी, मीना देवी पाटनी, मंजू देवी बाकलीवाल, लालचंद बगड़ा आदि लोगों ने किया। सफल संचालन अध्यक्ष समिति पार्षद उषा बगड़ा ने किया। सचिव विनीत बगड़ा ने सभी का आभार प्रकट किया। महक पाटनी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर विनोद कुमार उनकी टीम द्वारा गठिया, लकवा, माइग्रेन, साइटिका, सर्वाइकल, जोड़ों के दर्द, वजन घटाना, बवासीर आदि रोगों का एक्यूप्रेशर से उपचार दोपहर के 2 बजे तक 5 मिनट तक। आज राजमल पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता द्वारा प्रकाश चंद पाटनी और उनके पुत्र आदित्य पाटनी के सौजन्य से सुजांचल विकास समिति द्वारा आज 5 दिवसीय एक्यूप्रेशर शिविर का शुभारंभ किया गया है पांडे धर्मशाला में। जो मैं सभी लोगों से यही अपील करती हूँ, जिनके जोड़ों में दर्द, लकवा, अनेक ऐसी बीमारियों का एक्यूप्रेशर के माध्यम से निशुल्क इलाज किया जाएगा, तो आप सभी लोग इस शिविर का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बताएं। ये आज सुजलांचल विकास मंच के द्वारा और श्रीमान प्रकाश चंद जी पाटनी, आदित्य कुमार पाटनी के सौजन्य से आज हमारा 5 दिवसीय एक्यूप्रेशर कैंप लग रहा है। सुजलांचल विकास मंच अनेक भामाशाओं के द्वारा समय समय पर 2-3 साल हो गए इनको गतिविधियां करते, भामाशाह का सहयोग रहता है और हमारा उसमें तन मन से सहयोग रहता है, उनका धन से सहयोग रहता है, तो इससे हमारे सुजानगढ़ की जनता को बहुत लाभ मिलता है, आसपास के गांव वालों को भी बहुत लाभ मिलता है। अभी हमने अगले महीने ही आई कैंप लगवाए थे, उसमें 523 रोगी आए और 41 रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन करके उनको दवाएँ भी फ्री में दी थी। मैं उन भामाशाहों का धन्यवाद करती हूँ कि वो बाहर रहकर भी अपनी जन्मभूमि से सुजानगढ़ से लगाव रखते हैं और हमेशा सुजानगढ़ के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। पांडेता स्थित कुएं में एक युवक द्वारा बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब पांडेता कुएं के पास एक बाइक खड़ी दिखी, वो टी शर्ट और चप्पल भी बाहर पड़ी थी। कोतवाली पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल जगदीश जाखड़ मौके पर पहुंचे और टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम सुनका, नवर्त मिजाने आदि की सहायता से सबको करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकालकर राजकीय बगड़े अस्पताल के मोर्चरी पहुंचाया। वहीं मौके पर पार्षद प्रतिनिधि हमजद खान कायम खानी, पूर्व पार्षद कमल कुमार, रेवंत मल, गणेश उपखंड कार्यालय से पुरुषोत्तम चौहान सहित अनेक लोग मौके पर एकत्रित रहे। राजकीय अस्पताल में सब इंस्पेक्टर सरदार सिंह पहुंचे, जहां पर मृतक के चाचा आशा राम से वार्ड नंबर 1 गांधी बस्ती सुजानगढ़ ने रिपोर्ट देकर पुलिस को बताया कि मेरे भाई का लड़का किशन लाल, उम्र 34 साल, निवासी वार्ड नंबर 1 सुजानगढ़, पिछले 3-4 सालों से गुर्दे की बीमारी से ग्रसित था, जो सोमवार को सुबह करीब घर से 4 बजे निकला, जिसकी काफ़ी तलाश करने पर मांडेता कुएं में लाश मिली। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मृतक दर्ज कर ली है और पोस्टमार्टम विभाग से परिजनों को सौंप दिया गया है। ये सुबह करीब 4-5 बजे के आसपास की घटना बता रहे हैं, जो किशन राम मेघवाल थे इधर गांधी बस्ती साइड के, वो सुना है कि बीमारी से बहुत अपने से दुखी थे, तो उन्होंने जो मांडेता का सार्वजनिक जो कुआ है उसके अंदर सुसाइड कर लिया। और निकालने में दिक्कत तो ऐसी आई कि कुआ का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा था और गहरा भी था वो, और पानी भी उसमें काफ़ी टाइम से था, तो क्या है कि करीब 2-2.5 घंटे
की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस थाने में अनिल सासी निवासी मकराना ने रिपोर्ट देकर बताया कि 4 नवंबर को मैं और मेरी पत्नी चंदना, 2 बच्चे 4 वर्षीय रणवीर व 7 वर्षीय पूनम सुजानगढ़ स्थित सासी स्थित शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। परिवादी का कहना है कि मेरी पत्नी सुबह 9 बजे सरकारी अस्पताल से दवाई लाने का कहकर निकली थी, जो कि उसके बाद न तो मेरी बीवी और न ही मेरे बच्चे मुझे मिले हैं और ना ही वो घर लौटे हैं। तथा ससुराल पीएर में पता करने पर भी उनका पता नहीं लगाया, काफ़ी तलाश करने पर भी वो नहीं मिल रहे हैं। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है, जिसकी जांच एसआई तेजाराम कर रहे हैं। भाई ये है कि यह मकरान निवासी अनिल, इनकी पत्नी ये अपने ननियाल में शादी में सम्मिलित होने के लिए आए थे, तो इनकी पत्नी किसी बिना कारण बताए घर से निकल गई और आज उसको 4 तारीख की ये घटना है। 4 तारीख से आज 6, 7 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक उसके साथ 2 बच्चे हैं, 1 सुबह महिला है, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा है। तो मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि आप हमारा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस महिला को बरामद करके हमें सपोर्ट करें। और इसके लिए हमने एसपी साहब और डीएसपी साहब को भी मेल किया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके महिला और बच्चों को हमें सपोर्ट किया जाए।